गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। हैप्पी रेन। हमारे यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आप लोगों ने बताया आप लोगों के वहाँ हो रही है नहीं हो रही? पीछे आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि बारिश बहुत तेज हो रही है, ये देखें। और बादल भी बहुत गरज रहे हैं। मैं और भैना तो जॉब पे भी नहीं गए। भैना तो गई थी पर वापसी आ गई आधे रास्ते से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और शायद इसमें आप लोगों को इतनी नहीं लग रही होगी बट बहुत तेज़ हो रही है, बादल बहुत गरज रहे हैं। आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही हो पीछे। और ये देखें, कोई इंजॉय करे ना करे, टफी फुल इंजॉय कर रहा है अपना। टफी सुबह से नहा रहा है, हम इसको पकड़ रहे हैं कि गीला ना हो। टफी जब छोटा था उसको तब से बारिश बहुत पसंद है ना मामा? टफू कैसे ऊपर मुंह कर कर के वो बारिश देखता है बहुत गौर से, और उसको मज़ा भी बहुत आता है। टफू आप इंजॉय कर रहे हैं? ये देखें टफी को, ये पूरा गीला हो चुका है, मम्मा ने इसको छुपा दिया है। टफू आपको सर्दी लग जाएगी, आप तो लड़की लग रहे हो, दुल्हन लग रहे हो, दुल्हन दुल्हन। दिखाओ इधर बुका, दिखा दो। देखें टफू को मामा ने यहाँ बिठा दिया ताकि ताकि टफी यहाँ से बारिश के नज़ारे करता रहे यूं करके। टफू अब ठीक है, टफू को बारिश में नहाना बारिश देखना पसंद है। तो ये देखें फाइनली आपी भी उठ चुकी है और हम करने लगे हैं नाश्ता। मामा ने पराठे बना दिए हैं और ये पापा लेकर आए थे चने, और मैं तो ये रात के सालन के साथ था। पापा ही अगर आए, मामा ने चले गए। और ये रात वाला सालन तो मैं खाऊंगी। तो बारिश तो जैसे कि बिल्कुल भी नहीं रुकी, और तेज़ हो गई। आप ही भी उठ गई हैं, मैंने कहा साथ ही नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करके आप लोगों को मिलते हैं। तो गाइस, बारिश तो अभी तक कंटिन्यू हो रही है, रुकी नहीं रही है। और बारिश की वजह से मेरी भी सुबह जल्दी आँख खुल गई थी, तो मुझे तो आ रही है नींद। मैं थोड़ी देर आँख लगाने लगी और आँख खोलने के बाद आप लोगों को दोबारा मिलते हैं। तो ये देखें, हमारे चावल बन चुके हैं और अभी तक इसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये मामा ने रात को चिकन और आलू का सालन बनाया था, तो अब मामा ने उसके चावल बना दिए। क्यों गई है आलू चिकन? तो बारिश थोड़ी बंद हो गई है, खाते ही नहीं है शौक से। मैंने वही सालन जो इतना सारा था मैंने उसके थोड़े से चावल बना दिए। और डॉली जो है सो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ मामा ने भिंडी भी बनाई है। भिंडी कितनी मजे की लग रही है। ये मामा ने इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ नमक और मिक्स मसाला डाला। बहुत टेस्टी बनी है और बहुत यम्मी है। यम्मी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसी तरह बना के। तो हमारी लाइट नहीं है और हम तंग आ गए हैं, और पता नहीं कब आएगी लाइट। तो हेलो गाइस, मैं सोकर उठ गई हूँ और हमारी लाइट अभी भी नहीं आई है। सुबह से हमारी लाइट गई और अभी टाइम कुछ हो गया 8:30 और लाइट अभी भी नहीं आई है। और मैंने कहा मामा आप चाय पी रहे थे बनाकर, अब हम चाय पीने लगे हैं। लाइट आ गई तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, वरना व्लॉग यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स सी लाइट आती है या नहीं रात तक। और हमारी लाइट आई है तकरीबन 10:30 मामा जी, सुबह 10:30 की गई, रात को 10:30 बजे आई है। कमाल हो गया, हमारी लाइट कभी जाती नहीं। हम लोग पागल हो गए, गड़बड़ हो गई थी तो हम पागल हो गए थे, क्योंकि हमारी लाइट नहीं जाती बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल आदत नहीं है। तो सुबह है मेरा ऑफ, तो मैंने कहा थोड़ी चम्पी लगा लें, मम्मा से ऑयल लगवा लें। लगा रहे हैं सरसों का, हम शुरू से यही लगा रहे हैं, सब सरसों का तेल लगाया करें। हम भी सरसों का तेल लगाते थे बड़े जब छोटे थे, हमारी मम्मा भी यही लगाती थी, मैं भी अपने बच्चों को यही लगाती हूँ, मेरे बच्चे सुबह बहुत प्यारे हैं। और ऑयल का तो टाइम मिलता ही नहीं है, जॉब में इतना बिजी रहते हैं, तो मैंने कहा मम्मा आज लगा ही दो। और मामा के हाथ की चम्पी, मतलब माँ के हाथ की चम्पी की तो क्या ही बात है ना मामा, आपको भी मजा आता होगा जब आपकी मामा करती है। हमारी मामा भी ये तो बहुत कम लगाते हैं ऑयल, लेकिन हमारी मामा हर सैटरडे को सारी बहनों को बिठा के ऑयल लगा के कष्ट से चुटिया बना देती है। तो मेरे को तो सबको ही आज नींद आ रही है, क्योंकि लाइट की वजह से हम थक गए, बारिश भी बहुत हुई और कुछ, अभी इसकी वजह से मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। पर अभी बहना लेने गई है खाना, कुछ हमारा खाना ऑर्डर हमने किया हुआ है, वो आते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तो
ये देखें गाइस, मैं खाना लेकर आ चुकी थी और जैसे कि आपको पता है कि रात के टाइम हमें होती है क्रेविंग और हम लोग जो हैं रात के टाइम कुछ ना कुछ खाते हैं। तो ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा और फेलिक्स खा रहा है रोल ईटन के और बस अभी हम लोग खाने लगे हैं। तो आज का हमारा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। कल मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।